ये हमारी बैक कैरियर। लुक आ रही है। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे और अच्छे रहना। तो गाइस, आज आप सभी लोगों के लिए और एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि एंटॉर्क के ऊपर एक बैक कैरियर रैक इंस्टॉल कीजिए, तो हम लोग के आज उसी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो पूरा देखिए वीडियो, कितना की कॉस्ट पड़ते हैं वो पूरा दिखाएंगे आप लोगों को, कैसे इंस्टॉल करेंगे वो भी पूरा दिखाएंगे। चलिए गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कैसे, ये हमारी बैक कैरियर हम लोग इंस्टॉल करेंगे एंटॉर्क के ऊपर। इसका हम लोग फ्लिपकार्ट से मंगाए हूँ, डोमिनार की है ये, फाल्सर 220 पे भी लग जाती है। तो ये हमारी फिट नहीं होंगे डायरेक्ट, हम लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा, यहाँ पे कट करके ओइलिंग करना होगा, पूरा दिखाएंगे कैसे करेंगे। तो आप लोगों से शेयर करेंगे, आप लोगों के इंटोर के ऊपर ही इंस्टॉल कर सकते हो। तो इस चलिए दिखाता हूँ कैसे हम लोग इसको मॉडिफिकेशन करते हैं, पूरा वीडियो देखना। तो गाइस, हम लोग इसका कंपनी फिटिंग जो बैकेट है वो कट कर देंगे, मेजरमेंट करके हम लोग खुद एल टाइप की पैकेट बनाएंगे। तो गाइस, हमारी एंटॉर्क के ऊपर ये जो बैक कैरियर है लगाने के लिए कुछ मॉडिफिकेशन करना होगा आप लोगों को। ये जो पहले आती थी कंपनी फिटिंग, यहाँ से जो एंगल आती थी वो कट करके आप लोगों को आफ्टर मार्केट कोई भी ओल्डिंग की शॉप पे जाके एल टाइप की बैकेट बना लेना है। तो ऐसे कुछ है, देख लीजिए, ऐसे आप लोगों को बनाना है। मेजरमेंट करके दो डील कर लिया हम लोगों ने, और उसके बाद ब्लैक कलर की स्प्रे पेंट से इसको कलर कर दिया। सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग मेजरमेंट करके ये कर सकते हो, और हम लोग दिखाएंगे कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं। तो इस चलिए दिखाता हूँ। तो गाइस, ये जो सीट का काउल है इसको खोलने के लिए आप लोगों को यहाँ पे दो स्क्रूप और यहाँ पे दो स्क्रूप है, ये खोलने के बाद ये ऊपर की तरफ उठाएंगे ये पूरा निकल जाएगा। और ये खोलने के लिए यहाँ पे दो स्क्रूप है, ये खोल लेना है, इसके बाद ये निकल जाएगा। तो गाइस चलिए आप लोगों को पूरा दिखाता हूँ। तो गाइस, ये दो स्क्रूप खोलने के बाद आपका पीछे का जो है पार्ट है ये निकल जाएगा, यहाँ पे इंस्टॉल होंगे हमारी जो बैक रैक है वो। तो ये डायरेक्ट हम लोग इसको फिट कर देंगे यहाँ पे जो 10 mm की स्क्रूप है इसकी मदद से। तो इस 10 mm की जो स्क्रूप है, बोल्ट है, उसके मदद से हम लोग इसको टाइट कर दिया। उसके बाद सीट का जो पूरा पर्सन है उसको लगाएंगे और दिखाएंगे कहाँ पे वाशर देना होगा। यहाँ पे 6 mm की दो दो करके वाशर देना होगा, जिससे आप लोगों का सीट का वेट इसके ऊपर पड़ेगा। तो इसलिए दिखाता हूँ कौन सा वाशर आप लोगों को लेना होगा। तो वैसे ऐसे ही आप लोगों को 4 स्क्रूप लेना है, यहाँ पे लगा देना है दो जो 6 mm की बोल्ट है उसके ऊपर। ये 6 mm की जो बोल्ट है इसको हम लोग पहले लगाएंगे यहाँ पे। लगाने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को ये जो ब्लैक कलर की सीट के नीचे ड्राम होती है उसको आगे की तरफ खींचेंगे और वॉशर की तरफ लेके आएंगे और लगा देंगे जो स्क्रूप है। हमारी एंटॉर्क के जो पीछे का बैक कैरियर है हम लोग लगा दिया पूरा कंप्लीट, नट बट टाइट कर दिया हूँ। ऐसा ही लुक आ रही है, देख लीजिए, सीट बंद करने के बाद ऐसा लुक आ रही है, साइड से ऐसा लुक आ रही है। तो ऐसा प्रोसेस से आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो आप लोगों का एंटॉर्क के ऊपर। तो कुछ सिनेमेटिक शॉट आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो चलिए,
तो गाइस आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ कैसे आप लोग एंटॉर्क के ऊपर बैक कैरियर इंस्टॉल कर सकते हो, पूरा वीडियो में आप हम लोग शेयर किया हूँ कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को आप लोगों का फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और इंस्टाग्राम आईडी हम लोगों का डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हो, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो, हम लोग रिप्लाई करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।